ये है इंडियन uh, इकनॉमी पे आप देखोगे फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो की चर्चा है एंड देन वी हैव दिस टू टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू दिस पॉलिटी थिंक मैरिज एज फॉर वुमेन सोसाइटी से भी लिंक होगा और यहाँ पे कुछ लेजिस्लेशन uh, है उनकी भी चर्चा है तो डेफिनेटली जी पेपर टू से भी आपका लिंक रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में वापस से जो इशूज़ हैं वो री हुए हैं ऑलरेडी ये जब केस चल रहा था यूपीएससी ने मेंस फेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको भी डिटेल में करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वापस से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के माध्यम से इस आ, आ, पूरे मुद्दे को सुनने जा रहा है तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन द क्लास वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सॉरी टू कीप यू वेटिंग गेट स्टार्टेड यहाँ पे uh, Uh, आज नौ बजे आपकी uh, फ्री स्पेशल क्लास रहेगी जैसा कल भी हमारी थी तो ये जो लिंक है इस पर आपको मिल जाएगा या मैंने uh, क्लास का लिंक ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है यू हैव दिस टेलीग्राम चैनल तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे हम एम सी क्यूज करेंगे करंट अफेयर बेस्ड इस क्लास में तो फ्री स्पेशल क्लास है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं नौ बजे ये रहेगी फ्री एक्सटेंशन वीक है इसका बेनिफिट आप ले सकते हो टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग आप जुड़ सकते हैं अकेडमी से सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं कोई भी डिस्काउंट अगर आप लेना चाह रहे हैं या फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हो यूज दिस कोड मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस शुरू करेंगे पहला हमारे पास में जो टॉपिक है दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है उसकी सुनवाई की जाएगी और ये है पटिशन जहाँ पे पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है ना उसने एक डिसीजन दिया था और उसी को एग्जामिन करने का सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वो किया है एग्री किया है सुप्रीम कोर्ट एग्री टू तो एग्जामिन द डिसीजन ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट होल्डिंग दैट मुस्लिम गर्न कैन मैरी अ पर्सन ऑफ हर चॉइस आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी तो इसमें क्या होता है देखो जैसे जनरली मान रहे हैं पंद्रह साल है ना तो ये कह रहे हैं पंजाब हाई कोर्ट के अंदर पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहाँ पे एक केस गया और वो जो पूरा केस था उसमें ये था कि एक जो गर्ल है है ना मुस्लिम गर्ल थी और हैं और उन्होंने अट्ठारह साल की एज अटेन नहीं करी है क्लियर तो वैसे देखोगे लॉ के अकॉर्डिंग टू माइनर के अंदर आ रहा है लेकिन जो वो मुस्लिम गर्ल है दैट वॉज़ अराउंड सिक्सटीन ईयर्स और वो इस तरह से अपनी मर्जी से शादी करती हैं तो फिर पुलिस उसको कस्टडी में लेती है कि ये माइनर है वगैरह नहीं है माइनर है इसलिए हमने इसको कस्टडी में लिया है वगैरह और फिर बाद में जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो हाई कोर्ट ये कहता है कि जो मुस्लिम गर्ल है कैन मैरी अ पर्सन ऑफ हर चॉइस आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी क्लियर तो ये कह रहे हैं कि लगभग पंद्रह साल हम ये मान लेते हैं तो उसके बाद में जो गर्ल हैं वो अपनी मर्जी से इस तरह से मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है उसके अंतर्गत वो फ्री हैं टू मैरी क्लियर ये बहुत बड़ा डिसीजन रहा अब जो आ, अगर हम देखें चाइल्ड राइट बॉडी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे पटिशन लेके आए हैं आप देखोगे जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट क्लियर ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट में हाई कोर्ट की इस रूलिंग के अगेंस्ट में जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं हाई कोर्ट की इस रूलिंग क्योंकि हाई कोर्ट की रूलिंग क्या कह रही है कि ये जो गर्ल है मतलब अट्ठारह साल से कम की है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत ये जो है प्यूबर्टी अटेन करने के बाद अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं तो यहां पे एनसीपीसीआर कह रहा है कि एक तरह से हाई कोर्ट ने चाइल्ड मैरिज जो है है ना चाइल्ड मैरिज है उसको आप ये वो कर रहे हो असेंशियली अलाउड हाई कोर्ट रूलिंग असेंशियली अलाउड ए चाइल्ड मैरिज एंड दिस वॉज इन वायलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये जो कानून बना हुआ है दो हजार छह का ये कानून है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट तो यहाँ पे क्या है अट्ठारह साल से कम अगर कोई भी गर्ल है या इक्कीस साल से कम का कोई भी बॉय है तो उनकी अगर शादी हो रही है तो वो क्या है इ लीगल है क्लियर हालांकि उसको वॉइड तो नहीं करेंगे एक बार शादी हो गई तो वो वॉइड नहीं होगी बट ये क्या है इलीगल इस तरह से मैरिज है मतलब शादी खारिज नहीं होगी अनलेस जो माइनर है उसकी तरफ से पटिशन नहीं जाती है तो शादी इलीगल है पनिशेबल भी रहेगी पनिशेबल ऑफेंस है लेकिन वो शादी इस तरह से खारिज नहीं होगी अनलेस जो माइनर है वो वहाँ पे पटिशन नहीं कर रहा है तो चाइल्ड मैरिज इलीगल तो है लेकिन वर्ड नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आपको लगेगा कि हाँ इलिगल है तो वो मैरिज भी खारिज हो गई है तो मैरिज इस तरह से खारिज नहीं हुई है हाँ पनिशेबल ऑफेंस है जो भी लोग उसमें चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व है वगैरह वगैरह तो ये यहाँ पे कह रहा है एनसीपीसीआर या गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि देखो हमने लॉ बना रखा है ये कानून है इस कानून के अंतर्गत अगर जो वुमन है है ना या जो लड़की है उसकी एज अगर 18 साल से कम है और लड़के की एज मैन की एज अगर इक्कीस साल से कम है तो ये लीगल है और यहाँ पे पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वो क्या कह रहा है कि प्यूबर्टी आपने अटेंड कर लिया और आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे जो कानून है वो तो ये कह रहा है कि 18 साल की होनी चाहिए कम से कम और यहाँ हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है हाईकोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है अट्ठारह साल की अगर आपने प्यूबर्टी अटेंड की है और इसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो जनरली हम पंद्रह साल मानते हैं आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी मुस्लिम गर्ल जो है अपने पर्सनल लॉ के अंतर्गत इस तरह से फ्री है शादी करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया दोनों के अंदर तो ये जो केस है कोर्ट के अगेंस्ट में यहाँ पे जो एन गया है चाइल्ड राइट बॉडी गई है उसको सुनवाई करेगा कौन सुप्रीम कोर्ट तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज निकल के आएंगे क्यों निकल के आएंगे क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लॉ है है ना पर्सनल लॉ जो है वो एक तरह का उसको प्रोटेक्शन दिया गया है आप देखोगे अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं रिलीजन के रिगार्डिंग तो यहाँ पे इशू ये है कि क्या पर्सनल जो लॉ है वो ऊपर रहेगा या इस तरह से जो भी कानून बना रखा है सभी के लिए समान जो है वो ऊपर रहेगा तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है ये एक तरह का सेकुलर लेजिस्लेशन है ठीक है ना सेकुलर लेजिस्लेशन है इर ऑफ द रिलीजन सब पे ये अप्लाई होना चाहिए सब रिलीजन पे ये अप्लाई होना चाहिए ओवर राइडिंग पर्सनल लॉ तो सरकार या जो एनसीपीसीआर चाइल्ड राइट बॉडी है ये क्या कह रही है कि जो भी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं उनके ऊपर इसको रखा जाना चाहिए जबकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया हाई कोर्ट ने पर्सनल लॉ को ऊपर रखा है अब ये जो पूरा डिसीजन है हाई कोर्ट का आई होप आपको कॉन्टेक्ट और ये सारी बातें समझ आ गई होंगी ये कुछ नया नहीं है अगर आप देखोगे पहले भी अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग डिसीजन यहाँ पे दे रखे हैं सेवरल हाई कोर्ट्स हैव डिफरेंटली ऑन दिस है फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक हाईकोर्ट की हम बात करें कर्नाटका का जो हाईकोर्ट है उसने क्या कहा था कि ये जो पर्सनल लॉ है इस, इसको हम नीचे रखेंगे इन कंपेरिजन टू दीज अदर लेजिस्लेशन है ना जो सबके लिए बनाए हैं तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं कर्नाटक हाईकोर्ट का एक डिसीजन है जिसने अलाउ नहीं किया है वहीं हमारे पास जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है ये क्या कर रहा है ये अलाउ कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे केसेस और उनका हम देखते हैं कि अलग अलग हाईकोर्ट का अलग अलग यहाँ पे डिसीजन है इस पूरे इशू के ऊपर इसलिए ये मुद्दा और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा इशू आएगा तो डेफिनेटली इस पर चर्चा होगी तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन यहाँ पे रेगुलेटिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमन क्लियर इस मुद्दे को खोलेगी क्यों खोलेगी क्योंकि आपको पता है कि सरकार एक बिल लेके आई है जिसमें मिनिमम जो एज है वुमन की उसको 21 साल कर रही है अभी क्या 18 साल है कम से कम अट्ठारह साल है सरकार उस बिल के माध्यम से इक्कीस साल करने जा रही है ठीक है तो उससे रिलेटेड इशूज भी हैं एंड द इम्पैक्ट इट हैज ऑन द पर्सनल लॉ ठीक है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है वो इसको इंटरवेंशन करेगा और डेफिनेटली फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम है पर्सनल लॉज हैं और उसको जो भी एक सेकुलर लॉ यहाँ पे हमने अलग अलग कानून बना रखे हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होगा तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है सोसाइटी से भी इसको लिंक करना है और मैं बट मैं चाहूँगा कि आप इसको जीएस पेपर टू में ही लिख लो क्यों लिख लो क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लॉज का इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और डेफिनेटली यहाँ पे आप लिख सकते हो लेकिन वो सोसाइटी में भी लिंक हो जाएगा उसके लिए कोई अलग से इसको सोसाइटी में लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया कि हमारे ये कानून है इसके अगेंस्ट में है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट या एनसीपीसीआर की तरफ से दिया गया है गवर्नमेंट क्या कह रही है एक दो में जो सेक्सुअल एक्सप्लेशन है माइनर्स का उसको रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ये 2012 में एक कानून बनाया गया क्लियर जो बच्चे हैं उनको जो भी सेक्सुअल uh, इस तरह से ऑफेंसेस है उससे बचाने के लिए प्रिवेंशन के लिए ये कानून बनाया गया ये जो एक्ट है दिस एक्ट नॉट रिकॉग्नाइज कंसेंट फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी बाई माइनर्स ये जो कानून है इसके अंतर्गत जो माइनर है मतलब 18 साल से कम उम्र के जो भी हैं लड़के हैं लड़कियां हैं तो उनकी कंसेंट को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि उनकी हा ना का मतलब नहीं है अगर इस तरह की कुछ भी एलिगेशन होते हैं या सेक्शुअल एक्टिविटी के रिगार्डिंग कंसेंट वहाँ पर उनकी नहीं मानी जाएगी तो जब ये कानून कंसेंट नहीं मान रहा है माइनर की तो फिर यहाँ पे आप माइनर 18 साल से कम हो गया है ना तो यहाँ पे आप किस तरीके से उसको बेसिस बना के उनको वो फ्रीडम आप दे रहे हो तो ये क्या हो गया दो जो कानून है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे पड़ रहा है एक तो हो गया जो चाइल्ड मैरिज है बाल विवाह है उसको रोकने के अगेंस्ट में और एक हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस क्योंकि ये जो कानून है ये माइनर की जो कंसेंट है उनकी जो सहमति है रिगार्डिंग दिस सेक्सुअल एक्टिविटी उसको एक्नोलेज नहीं कर रहा है बाई माइनर्स मैरिजेज ऑन अटेंडिंग द प्यूबर्टी कैनॉट बी अलाउड मैरिज ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी कैन नॉट बी अलाउड ये साफ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहा है एक तो ये चाइल्ड मैरिज वाले के और ये जो 2012 वाला एक्ट है उसके अगेंस्ट में ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी यहाँ पे डिसीजन होगा उसको हम डिटेल में करेंगे और उस पर जब डिसीजन आएगा तो बहुत बड़ा वो एक डिसीजन होगा ठीक है काफ़ी सारे आर्टिकल एडिटोरियल होंगे बट वी हैव डन आर दिस होमवर्क ये वाला होमवर्क हमारा पूरा हो चुका है ठीक है इसको लेके बहुत लंबा चौड़ा सा आर्टिकल था तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें नेक्स्ट हम आते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज़ दिल्ली गवर्नमेंट किस बात की इनकी लड़ाई चल रही है लड़ाई कोई नई नहीं, नहीं है काफ़ी लंबे समय से चल रही है स्पेशली जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है और वहाँ पे 2018 का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है है ना जहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं इनके बीच में पावर टसल चल रहा था इनके बीच में पावर टसल चल रहा था और रीजन ये है कि दिल्ली का स्पेशल स्टेटस है और इसी वजह से ये चीज़ें क्लियर नहीं थी लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और काफी सारी चीज़ों को क्लियर किया अब वापस से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस इशू को सुप्रीम कोर्ट सुने किस मुद्दे पे सुने कि जो सर्विसेज है उस पर कंट्रोल किसका रहेगा जो भी यहाँ पे सर्विसेज है जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे हैं जैसे दानिब्स वगैरह हो गया या जो और ऑफिसर्स है तो उस पर कंट्रोल किसका है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे उनको कंट्रोल करेगी उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को या फिर चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल होगा तो ये मुद्दा वापस से है पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे बहुत अच्छे से क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसपे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और वापस से इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं दैट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक इसको मान लो आप इस मुद्दे को समझते हैं देखो पहले तो दिल्ली की स्थिति समझते हैं दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है और नेशनल कैपिटल है तो एक स्पेशल प्लेस रखता है अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट का नाम ध्यान रखना है सिक्सटी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन में ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया सिक्सटी अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आर्टिकल टू थर्टी नाइन टू थ्री नाइन ए ए इस आर्टिकल को हमने इंसर्ट किया ये आर्टिकल दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दे रहा है स्पेशल स्टेटस दे रहा है जनरली हम देखेंगे कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं कुछ को छोड़ दीजिए जैसे पुद्दुचेरी है बाकी हम देखेंगे कि वहाँ पे उनकी विधानसभा वगैरह नहीं है तो ये क्या हुआ बालकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट थी उस बेसिस पे इन्होंने क्या किया स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को क्या दिया कि जो एन uh, सी है दिल्ली विल हैव एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब इसकी विधानसभा भी होगी और कोई भी जो मैटर है जो स्टेट लिस्ट में हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल सेवन के अंदर पूरा डिवीजन किया हुआ है कि है ना स्टेट गवर्नमेंट किस चीज पे मुद्दे पे कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे बना सकती है तो जिन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है उसको शेड्यूल सेवन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी स्टेट लिस्ट में रखा तो ये कह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट में सभी मुद्दों पे कानून बना सकती है कनकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं उस पर भी बना सकते हैं

अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिस्प्यूट जो हो रहा है दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये होगा सर्विसेज के कंट्रोल के ऊपर इसकी सुनवाई करेगा और यहां पे इसका इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली आगे आएगा और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे को दोबारा से देखे क्यों देखे क्योंकि दो में दो में ही एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया किस चीज पे स्प्लिट वर्डिक्ट दिया कि जो सर्विसेज uh, हैं है ना ये जो सर्विसेज हैं उनका कंट्रोल किसके पास रहेगा तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि uh, जो भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी uh, वहाँ पे दिल्ली में जो गवर्नमेंट है इंडीड क्योंकि दिल्ली पूरा एक तरह से स्टेट नहीं है तो दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसके पास में वो कंट्रोल रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है हम नहीं चाहते कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है है ना ऑफिसर्स की Uh, इसका कंट्रोल हमारे हाथ से जाए क्योंकि दिल्ली का एक स्पेशल प्लेस है दिल्ली पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम चाहते हैं कि वो सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स क्लियर तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है और कोर्ट ने इसको एग्री कर लिया है कि हाँ हम इस चीज़ पर सुनवाई करेंगे कि ये जो सर्विसेज uh, जो हैं है ना किसके कंट्रोल में रहेगी किसके कंट्रोल में सर्विसेज नहीं रहेंगी और यहाँ पे कोर्ट ने आर्टिकल 145 सेक्शन 3 का हवाला दिया 145 जो आर्टिकल है ये क्या कहता है ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी मुद्दा जिसके अंदर कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्वॉल्व है कॉन्स्टिट्यूशन का या लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंटरप्रिटेशन अगर इन्वॉल्व है तो आर्टिकल 145 के अंतर्गत वो पूरा जो है हम उसको सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको सुनेगी

करने वाले हैं अब ये जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में ये जो लड़ाई है नई नई गई है क्योंकि बहुत सारे इसमें इश्यूज थे कुछ मैटर सेटल हो गए हैं अभी जो मैटर है वो केवल और केवल इस सर्विस के कंट्रोल पे रहेगा क्या क्या मैटर सेटल हो गए और कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो इसमें देखो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर ये था सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एल को अपॉइंट कर रही है तो एल एज ए एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं समथिंग लाइक दिस और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिनको लोगों ने चुन के भेजा है तो सुप्रीम यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ये फैसला दिया था कि जरूरी नहीं है जो एल जी यहाँ पे हैं है ना वो हर मैटर के अंदर uh, जो यहाँ से एडवाइज़ आएगी उसको फॉलो करें नहीं करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में ये जजमेंट दिया था दैट एडमिनिस्ट्रेशन परपज ऑफ द एनसीटी द एलजी इज़ नॉट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी आपका दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन परपज है उसके लिए जरूरी नहीं है हर मैटर पर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे जो एडवाइस देंगे उसको एल फॉलो करे ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके अगेंस्ट में दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटा सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं एलजी जो है बाउंडेड है चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे उससे वो बाउंडेड है एक्सेप्ट Except, जो एक्सेप्शन दिए गए हैं डेफिनेटली यू हैव दीज एक्सेप्शन दैट द एल जी इज परमिटेड टू एक्सरसाइज इज इन इज ऑन डिस्क्रिप्शन तो जिस तरह से स्टेट में होता है ना कि गवर्नर जो है उनको उसी तरह से काम करना होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस दी जा रही है क्लियर एक्सेप्ट उनके कुछ डिस्क्रिप्शनरी मैटर है तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दो हज़ार अट्ठारह में यहाँ पर क्या कहा कि हमने इस आर्टिकल का जो इंटरप्रटेशन किया है टू थ्री नाइन डबल ए का ठीक है ये जो हमने इंटरप्रटेशन किया है तो इसके आधार पर हम ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को आपने स्टेटस तो दिया है ठीक है ना एक स्पेशल स्टेटस दिया है फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है द पावर ऑफ एल जी कैन बी कर्टेल्ड एज ही हैज़ नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि एल जी जो है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपॉइंट किया है है ना अपने एजेंट के रूप में जैसे स्टेट में जनरली गवर्नर होते हैं वैसे दिल्ली में एल है तो एल की अपनी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है उनको काम करना होगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ

दो जजेस की बेंच थी स्प्लिट वर्डिक्ट दे देता है है ना एक जज कह रहा है कि नहीं जो पूरा का पूरा, का पूरा कंट्रोल है सर्विसेज का किसी भी तरह की कोई भी सर्विस हो सारा का सारा कंट्रोल जो होगा है ना वहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है एक जज ये कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विसेज पर कोई पावर नहीं है उनकी पोस्टिंग उनके जो भी है क्लियर जो भी हो गया यू हैव दिस एट्सेट्रा सर्विस रिलेटेड मैटर के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट की कोई पावर यहाँ पे नहीं है जबकि दूसरे जज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी फॉर एग्जाम्पल अदर लेवल ऑफ सर्विसेज जिसमें आप देखोगे दानिश से दानिब से है, दानिक से है। दानिक तो नहीं आएगी क्योंकि पुलिस तो इनके मैटर में है ही नहीं तो जो दानिक से डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल किसका होगा चीफ मिनिस्टर का होगा और चीफ मिनिस्टर जो ओके करेंगे वही आगे से ओके होगा तो स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया एक कह रहे हैं कि नहीं सारी की सारी जो कंट्रोल है सर्विसेज का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एक कह रहे नहीं कुछ सर्विसेज का कंट्रोल यहाँ पे है तो जब स्प्लिट वर्डिक्ट यहाँ पे होता है तो पूरे के पूरे केस की सुनवाई दोबारा से की जाती है और यही काम अब होने वाला है आप देखोगे ये जो सर्विस रिलेटेड मैटर है उसी पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया है कि हम इस पूरे मैटर को सुनवाई करने वाले हैं सो आई होप ये पूरी इनकी टसल ये जो लड़ाई है ये आपने देख ली इसमें क्या था पहले तो था एल जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी कितनी पावर है और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी कितनी पावर है वो ज़्यादातर मैटर 2018 में शॉर्ट आउट हो गया सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा अब यहाँ पे मैटर आ रहा है कि जो सर्विसेज है उस पर कंट्रोल किसका है तो सर्विसेज पे कंट्रोल किसका है उसके लिए अगेन इसी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन चाहिएगा तो इस आर्टिकल का नाम ध्यान रखिए सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखिए और क्या इस पर लड़ाई है ये भी हमने देख लिया कि दोनों चाह रहे हैं कि हमारा सर्विस पे कंट्रोल रहे ठीक है फॉर ऑब्वियस रीज़न क्योंकि ट्रांसफ़र वगैरह है पोस्टिंग है उसमें अपनी एक पावर होती है क्लियर तो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल दोनों अपने अपने इस तरह से चाह रहे हैं इस पूरे इशू को ध्यान रखना ऑलरेडी यूपीएससी ने कई बार इस पर क्वेश्चन आगे आते हैं इंडियन इकोनॉमी और यहां पे एक न्यूज देखने को मिलेगी एफ एस आई बी रिकमेंड्स नेम्स फॉर एमडी पोस्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा और इस तरीके से क्लियर बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा के एम के लिए इन्होंने नाम रिकमेंड किए हैं तो देखो इसमें एक बार यूपीएससी ने इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक बोर्ड ब्यूरो तो पहले क्या होता था पहले जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं मान लीजिए पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर आप देखोगे जो प्रमोशन होते हैं जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो अपने हिसाब से हो रहे थे ना पता नहीं किस मेरिट के बेसिस पे आप किसको ले रहे हो नहीं ले रहे हो टॉप पोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं इस चीज़ पे हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो में भी कुछ इश्यूज़ आए उसको भी हम देखेंगे एंड में और फाइनली ये हुआ कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को एक तरह से हटा के या फिर उसको अपडेट रिफॉर्म करके एक नई बॉडी यहाँ पर लाई गई जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लियर और क्वेश्चन अभी तक इस तरह से नहीं है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो एफ एस आई भी जो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये क्या करती है ये एक तरह की गवर्नमेंट द्वारा सेटअप की गई बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगी तो ये क्या कर रहा है जो भी प्रमोशन है जो भी रिक्रूटमेंट है टॉप बैंक्स के लिए टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उसको ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा है और इसकी वजह से आप देखोगे जो रेड टेपिजम है या फिर उस सब को रोक रहा है करप्शन को नेपोटिज्म को और मेरिट के बेसिस पे है ना वाकई में अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो कैपेबिलिटी है मेरिट है

सीनियर पोजीशन के लिए इस तरह से नाम सेलेक्ट करके रिकमेंडेशन सरकार को भेज रहा है मेकिंग द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैंस अगेन जो भी फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन सरकार चला रही है इंटेंड टू गो बियॉन्ड द मैन मैनेजर रोल अब यहाँ पे क्या है बैंक बोर्ड ब्यूरो भी यही काम कर रहा था आप कहोगे एफ एस आई बी को लाने का क्या फ़ायदा हुआ एफ एस आई भी एक एक्स्ट्रा काम क्या कर रहा है ये यह यहाँ पे इंश्योर करेगा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है एक बनाया जाए है ना कि किस तरह से कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जो टॉप uh, आ, लेवल पे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं है ना वो बिहेव कर सकते हैं मतलब क्या चीज़ें अलाउ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए ताकि करप्शन को कम किया जा सके एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके ये सब चीज़ें तो एक कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स यहाँ पे दे रहे हैं फॉर ऑल टाइम डायरेक्टर इन दीज एंटिटीज़ इसके अलावा मॉनिटर कर रहा है असेस कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है <coughs> गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंस्टीट्यूशनस हैं सरकार का जिसके अंदर किसी भी तरह की हिस्सेदारी है या ऑनरशि आप मान लीजिए तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस को मीज़र कर रहा है और अगर वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट है उसके लिए भी ये रिकमेंडेशन आपका दे रहा है तो आप देखोगे इट वुड इशू द गाइडलाइन फॉर सेलेक्टिंग फार्मोलेटिंग एंड डेवलपिंग द बिजनेस स्ट्रेटेजीज़ कि कैसे पैसा उगा सकते हैं कैपिटल तो रेज कर सकते हैं एट्सेट्रा तो यहाँ पर क्या हो गया इसका जो मैंडेट है इन कंपेरिजन टू बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंक बोर्ड ब्यूरो के कंपैरिजन में इसका जो मैंडेट है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव काफी वाइड है क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो केवल रिकमेंडेशन दे रहा था सीनियर पोजीशंस के लिए तो सीनियर पोजीशन के लिए रिकमेंडेशन ये भी दे रहा है लेकिन ये और क्या कर रहा है बैंकों के काम का इवेलुएशन कर रहा है उनको ये बिजनेस प्लान स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प कर रहा है और ये इतना वाइड कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट क्यों दे रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जो सरकार की ऑनरशिप वाले बैंक है जिनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं जैसे एस है पी है बैंक ऑफ बड़ौदा है ठीक है तो गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको प्राइवेटाइज किया जाए उनका नंबर कम किया जाए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर रखा है और अगर सरकार को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में है ना आगे ले जाना है तो उसमें भी एफ एस आई भी यहाँ पे हेल्प करेगा क्योंकि तो एफ एस आई भी यहाँ पर तैयार करेगा पूरे सिस्टम को स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको उसी तरह से अलाइन करना कि प्राइवेटाइजेशन के लिए भी जाता है तो किस तरह से रहेगा तो इसमें प्री मेन्स दोनों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाएगा बट मेंस में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि FSIB का जो पूरा मैंडेट है वो कैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो के कंपैरिजन में ज्यादा वाइड है बैंक बोर्ड ब्यूरो का आप देखोगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ पे इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम्पिटेंट अथॉरिटी करार दिया था जहां पे एक जनरल मैनेजर हैं स्टेट ऑन इंश्योरेंस कंपनी के उन्होंने अपने से जूनियर को ऊपर जब अपॉइंट किया गया तो फिर वो वहां पे केस को लेके गए फिर इसको पूरे को यहाँ पे हटा दिया और उसी बेसिस पे काफी सारे अपॉइंटमेंट है जिनको नल एंड वाइड किया तो सरकार ने इस पूरे बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह एक नया पूरा एफ का सेटअप लेके आए एफ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखोगे तो नाम वगैरह यूपीएससी में तो नहीं पूछता है एट प्रजेंट चेयरमैन कौन है भानु प्रताप शर्मा तो ये यूपीएससी में तो नहीं है रेलिवेंट हाँ तो स्टेट पी में होते हैं तो उनको थोड़ा देख लेना इसका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चेयरमैन होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉमिनी होंगे गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी होंगे इसके अलावा आप देखोगे बोर्ड के अंदर सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चेयरमैन ऑफ इराडा इराडा जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके चेयरमैन डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई ये इसका कंपोजिशन है तीन पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे ये थोड़ा सा आपको देखना है फाइन तो हालांकि न्यूज ये है कि इन इनको अपॉइंट किया है हमें इससे मतलब नहीं है हमें ये मतलब है एफ एस क्या होता है क्या करता है एफ से पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था क्यों बैंक बोर्ड ब्यूरो को एफ से इन्होंने वो किया है तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं यूरोप्स लार्जेस्ट नॉन डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट अब रेयर अर्थ एलिमेंट पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखे हैं ये वन ऑफ द वेरी फेवरेट यूपीएससी का टॉपिक है क्लियर तो इसको भी देख लेते हैं आज आपकी नौ बजे भी एक क्लास है ऑलरेडी हमारा सेशन लेट भी गया है नौ बजे वाली क्लास का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे है ना यूपीएससी राहुल भारद्वाज नाम डाल के आप सर्च कर लेना और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो मेरी जो अन प्रोफाइल है तो उसमें फ्री क्लास में आपको मिलेगा चलिए इसको कवर करते हैं साइंस एंड टेक एनवायरमेंट बच रहा है यूरोप लार्जेस्ट नॉन डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट देखो हुआ क्या है स्वीडन के अंदर स्वीडन की जो एक माइनिंग कंपनी है वो कह रही है कि यूरोप की हिस्ट्री में अभी तक के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किस चीज़ के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट रेयर अर्थ एलिमेंट के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हमें यहाँ पे मिले हैं दीज आर द लार्जेस्ट नॉन डिपॉजिट्स इन द यूरोप तो ये पूरी की पूरी जियो को चेंज कर देगा क्यों कर देगा रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आज के के टाइम आप देखोगे तो बहुत एक क्रिटिकल मिनरल रूप में है है ना? है ना इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर और बहुत सारे स्पेस शटल वगैरह हर जगह पे इनका यूज होता है लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है लगभग सेवेंटी टू एट्टी परसेंट टू नाइनटी परसेंट एट टाइम चाइना इसको कंट्रोल करता रहा है जैसा आप देखोगे 2017 में चाइना ने अस्सी तक वर्ल्ड के रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई को कंट्रोल करके रखा तो चाइना के हाथ में जब तक रेयर अर्थ मिनरल का कंट्रोल है डेफिनेटली है ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं या रेयर अर्थ मेटल्स कह दीजिए रेयर अर्थ एलिमेंट कह दीजिए ये है सेट ऑफ सेवनटीन केमिकल एलिमेंट्स सेवनटीन ये केमिकल एलिमेंट्स हैं ये पूरे इन सबको ऐसे कैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कुछ के डेफिनेटली ध्यान रखने हैं नाम और बट एक बार इनका गो थ्रू हो लेना कि अगर कहीं पे मेंशन हो जाए डेबरेटलीस सी डिफिकल्ट बनाया क्वेश्चन तो, तो ये क्या है 17 हैं, जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग है अब पंद्रह तो लेंथलैंड सीरीज के हैं और फिर इसमें स्केंडियम और यूट्रीम स्केंडियम और युट्रियम है बाकी तरह से है यहां से में जा रहे हैं अब इसमें देखोगे जैसे प्रोमेथियम है ये एक रेयर अर्थ मिनरल ऐसा है जो कि रेडियो एक्टिव है रेयर अर्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले इनका जो एक्सट्रैक्शन है बड़ा मुश्किल होता था स्पेशली इनके जो ऑक्साइड हैं है ना उनसे इनको एक्सट्रैक्ट करना निकालना बड़ा मुश्किल होता था इसलिए रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स इनको कहा जाता है काफ़ी सारे मिनरल के अंदर स्मॉल कंसनट्रेशन में भी ये मिलते हैं और इसके अलावा आप देखोगे इनके यूजेज हैं यूजेज इंपॉर्टेंट हैं यूजेज इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हमारी चिप्स वगैरह बन रही हैं कंप्यूटर सिस्टम है नेटवर्क कम्युनिकेशन हेल्थ केयर डिफेंस डिफेंस के अंदर बहुत सारी जगह पे काम आते हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी तो ये सब क्या है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हो डिफेंस की बात कर रहे हो क्रिटिकल एरियाज हैं, हैं जहाँ पे इनकी सप्लाई जरूरी है अदरवाइज़ ये सेक्टर अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो बड़ी दिक्कत होगी तो इनका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जैसे आप देखोगे सीरियम जो है Uh, ये स्पेस शटल कंपोनेंट्स में जेट इंजन टर्बाइंस ड्रोन्स इन सब में काम आ रहा है क्लियर और काफी सारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये कैटलिस्ट के रूप में सिरेमिक्स के ग्लास पॉलिशिंग एटसेट्रा इन सब में काम में आ रहा है तो ये रेयर अर्थ मेटल होते हैं इनका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है और अगर यहाँ पे कोई एक देश इसकी पूरी की पूरी सप्लाई को अगर कंट्रोल कर रहा है सो दे डेफिनेटली देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस और ये चीज है तो यहाँ पे इस डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि एट प्रेजेंट यूरोप में कोई भी रेयर अर्थ मिनरल माइन नहीं किया जा रहा है और यहाँ पे इतने सारे डिपॉजिट अगर मिल रहे हैं तो यूरोप की डिपेंडेंस कम होगी चाइना पे है ना और जो ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन है वो भी डाइवर्सिफाई होगी क्लियर तो ये आपको ध्यान रखना है वॉट एल्स यू शुड नो इंडिया यहाँ पे जो आई है पब्लिक सेक्टर की ये कंपनी है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी के अंतर्गत है तो यहाँ पे इसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सप्लोरेशन यहीं पे आपका कंसेंट्रेटेड है इंडिया में सप्लाई बहुत लिमिटेड है अभी कर्नाटक में नए कुछ मिले थे इंडिया चाइना के अलावा डाइवर्सिफाई भी कर रहा है स्पेशली जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं फाइन वहां पे सो so, ठीक है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इंडिया में अगर हम देखें सिग्निफिकेंट रेयर अर्थ मिनरल्स अगर आप देखोगे तो काफी सारे यहाँ पे मिल रहे हैं सो so, ये मैप पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना कहाँ कहाँ पे आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं स्पेशली यू हैव इन सदर्न पार्ट्स सदर्न पार्ट्स में काफी ज्यादा हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में एंड देन यू हैव दिस छोटा नागपुर रीजन तो ये दो मेजर है एंड इन सम पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न अरावलीज में भी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है तो ये मेजर अगर आपको जीएस पेपर वन में पूछ लेता है मेंस में ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए हाँ इंडिया में कहा पे इस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स पाए जा रहे हैं ठीक है दिस इज सफिशेंट ईयर आगे आते हैं एनवायरमेंट पे और ये है नील कुरिंजी सेंचुरी नील कुरिंजी सेंचुरी पे ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है आज अगेन यू विल सी इन हिंदू और ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं नील कुरिंजी ये एक तरह का जो है श्रब है प्लांट है जिसके जो फ्लावर्स हैं ना ये देख रहे हो आप नीले फ्लावर आते हैं नील मतलब नीला कुरिंजी मतलब तमिल में फ्लावर को फूल को कहते हैं तो ये जो नीला फूल आ रहा है ये पूरी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इसीलिए नीलगिरी कहा जा रहा है क्योंकि इस फूलों की वजह से वो पूरी नीली दिखती हैं अब इसकी खास बात यह है इस प्लांट की कि इसका बारह साल में एक बार फूल आता है बारह साल में एक बार फूल आता है अक्टूबर या सेप्टेम्बर के अंदर होता है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरल के अंदर जो ये प्लांट है इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है और इसी के प्रोटेक्शन के लिए एक सेंचुरी ये डिक्लेयर करने वाले थे तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि 2006 के अंदर आपने अनाउंस कर दिया है ना मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं 2006 में अनाउंस कर दिया लेकिन अभी भी सेंचुरी जो है उसकी बाउंड्री को आपने डिमार्केट नहीं किया है तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी सफर हो रहा है और ये इनका जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो भी रुका हुआ है हमें क्या ध्यान रखना है ये नील कुरुंजी क्या होता है कहाँ मिलता है ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है नील कुरुंजी को आपका ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया स्ट्रॉप बिलेंथस ओके okay? uh, कुंथियाना और इसको कुरुंजी या uh, गुरिजे कर्नाडा के अंदर ये नाम कहते हैं और कहाँ मिल रहा है इसका हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपका मिल रहा है वेस्टर्न घाट में आप देखोगे तमिलनाडु है सम पार्ट ऑफ द डेफिनेटली केरला और कर्नाटक uh, तो तीनों स्टेट्स के अंदर ये यहाँ पे मिलेगा ये ध्यान रखना और ये मैंने बताई दिया बारह साल में एक बार फूल आ रहे हैं नीले फूल हैं नीलगिरी माउंटेंस को इसी से नाम पड़ा हुआ है पूरा का पूरा जैसा कारपेट होता है ना नीला कारपेट उस तरीके से पूरी हिल्स कवर होती हैं इसके माध्यम से पलियान ट्राइबल पीपल ये जो पालियान ट्राइब है ये तमिलनाडु में रह रही है तो ये अपनी जनरली इसी फूल के माध्यम से एज कैलकुलेशन में भी अपना यूज़ कर रहे हैं नथिंग मच इज़ देयर बस ये इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है ठीक है नेक्स्ट आते हैं यू हैव दिस रॉक फिश तो ये आर्टिकल ये छोटी सी न्यूज है ये क्या कह रहे हैं ये यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो रॉक फिश होती है रॉक फिश आपको जान के हैरानी होगी कि ये uh, मतलब लॉन्गेस्ट लिविंग फिश है अर्थ पे ये 200 साल तक कुछ इसके अंदर वराइटीज़ हैं जो 200 साल तक जिंदा रह सकती हैं तो साइंटिस्ट यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं इनके जीन को स्टडी कर रहे हैं कि भैया इनकी लॉन्जिविटी है कैसे ये इतना लंबा जी रही है इसका रीज़न क्या है ये लॉन्जिविटी कैसे है तो रॉक फिश के बारे में कुछ जानना है साइंटिस्ट ने देखा है कि हमने इसके फ्लेवेनोइड मोटाबोज् इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया है और हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है बट हमारे लिए रॉक फिश इंपॉर्टेंट है और अगेन रॉक फिश में क्या इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट देखा रॉक फिश अच्छा इंडियन ओशन में भी बहुत आयात में मिल रही है नहीं मिल रही है ये तो आपको ध्यान रखना है ये जो है पैसिफिक ओशन में मिलती हैं और कुछ आपके अटलांटिक ओशन में तो इंडियन ओशन में इस तरह से नहीं है ज़्यादा और टेम्परेट वाटर में मिलेगी थोड़े से वार्म वाटर के अंदर आप थोड़ा सा कोल्ड वाटर जो है वहां पे मिलेगी टेम्परेट नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक एंड अटलांटिक ऑशन तो पैसिफिक अटलांटिक ओशन में यहाँ पे मिल रही है ये है रॉक फिश और ये जो पूरा इनका जीनस है दिस इज सी ये जीनस है और इसका कॉमन नाम रॉक फिश है क्योंकि ये देखोगे जो ओशन सरफेस नीचे बॉटम है वहां पे रॉक्स और उसके आसपास इनका ज्यादा हैबिटेट वो रखते हैं तो कॉमन नाम इनका रॉक फिश है इसका हैबिटेट ध्यान रखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है अब ये इंटर टाइडल जोन में भी है मतलब बहुत गहराई में भी मिलेगी बैंथिक जोन में और इंटर टाइडल जोन मतलब सरफेस पे भी मिलेगी लेकिन ये कहाँ मिल रही है ज़्यादा पैसिफिक और अटलांटिक में मिल रही है लॉन्गेस्ट लिविंग फिश है और ये इस वजह से न्यूज़ के अंदर है केवल प्रल्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दो लाइन यहाँ पर आपको लिखनी है नेक्स्ट है वेयर डू इंडियन सिटीज़ स्टैंड ऑन द टॉक्सिक एयर टॉक्सिक एयर जो सिटीज़ के अंदर है तो आप देखोगे इंडिया के अंदर जो सिटीज़ पॉल्यूशन है वो बहुत एक बड़ी समस्या है और सिटी पॉल्यूशन uh, या कहीं पे तो भी पॉल्यूशन की चर्चा करते हैं तो काफ़ी सारे उसके इंडिकेटर्स होते हैं ना कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है क्या नहीं है एटसेट्रा लेकिन इसमें से एक होता है पर्टिकुलेट मैटर पर्टिकुलेट मैटर मतलब क्या हो गया जैसे हम बात करें टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर या फिर टेन आपका पटीएम टेन हो गया तो ये क्या है ये सॉलिड पार्टिकल हैं बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड uh, इस तरह के ये पार्टिकल हैं जो कि क्या है एयर के अंदर सस्पेंडेड है हवा के अंदर इस तरह से सस्पेंडेड है हमारी सांस के साथ अंदर जा रहे हैं और हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिटीज़ के अंदर पॉल्यूशन कम करने के लिए भारत सरकार एक प्लान लेके आई नेशनल क्लीन एयर कैंपेन नेशनल क्लीन एयर कैंपेन जो है सरकार ने लॉन्च किया और इसने टारगेट सेट किए लगभग 130 इंडियन सिटीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड इंडियन सिटीज़ हैं उनको लिया गया और 2019 में इस तरह से इन्होंने टारगेट सेट किए वन थर्टी वन सिटीज आर कॉल्ड नॉन अटेनमेंट सिटीज क्योंकि जो भी ये स्टैंडर्ड थे नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो भी स्टैंडर्ड थे उनको अगर आप अटेन नहीं कर रहे हो तो आपकी सिटी नॉन अटेनमेंट रहेगी फॉर एग्जाम्पल क्या स्टैंडर्ड है जैसे अगर आप देखोगे अभी प्रेजेंट में पी एम टू पॉइंट फाइव और पी एम टेन को ये टारगेट कर रहे हैं और इसकी जो लिमिट है कंट्री के अंदर जो करंट एनुअल एवरेज प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है इसको याद रख लेना लिमिट को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट स्टिल इससे रिलेटेड मेन्स में भी एक बार पूछा हुआ है अभी रिसेंटली एक दो साल में ये क्या है फोर्टी माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर फोर्टी माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इसका क्या है परमिसेबल लिमिट है फोर्टी माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पीएम टू पॉइंट फाइव का है और सिक्सटी माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पीएम टेन का ये प्रेस्क्राइब्ड लिमिट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है कितना आपका आ रहा है देखो ये आ रहा है लगभग फोर्टी और सिक्सटी जबकि अगर हम दिल्ली में देखते हैं तो यहाँ पे लगभग आपका कितना जा रहा है हंड्रेड के आसपास जा रहा है माइक्रोग्राम और ये तो इस तरीके से इन्होंने ये टारगेट प्रेजेंट में सेट कर रखे हैं और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि सिटीज़ के अंदर जो पॉल्यूशन है वो कम हो लेकिन एक रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि कितना ये जो आपका प्रोग्राम है है ना ये सक्सेसफुल हुआ है तो ये जो एनसीपी प्रोग्राम है इसके अंदर डेफिनेटली uh, जो की पॉलिटेंट्स है वो रिड्यूस तो करने की बात की गई है सरकार ने पहले कहा था कि हम क्या करेंगे लगभग थर्टी परसेंट तक रिड्यूस करेंगे इन टू थाउजेंड ट्वेंटी द पॉल्यूशन लेवल टू थाउजेंड अ बेस ईयर शुरू में सरकार ने कहा था कि दो को हम बेस ईयर मान लेंगे दो के कंपेरिजन में हम लगभग बीस से तीस परसेंट पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास करेंगे दो तक इसको क्रिटिसाइज किया गया क्यों क्योंकि

तो सरकार ने एक तरह से क्या किया टाइम लिमिट बढ़ा दिया ना भाई थर्टी परसेंट दो हज़ार चौबीस तक कर रहे हो फोर्टी परसेंट दो हज़ार छब्बीस तक कर लोगे तो उसमें नया ऐसा क्या है बट स्टिल दिस इज अ काइंड ऑफ गुड इनिशिएटिव क्योंकि एटलीस्ट आप टारगेट तो कर रहे हो ना सिटी में पॉल्यूशन क्योंकि अगर आप देखोगे जब भी लिस्ट आती है विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर तो इंडिया का ही नाम आता है और ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो इंडो गेंजेटिक प्लेन पे आपको देखने को मिलेंगे सरकार ने लगभग सात हज़ार करोड़ रुपए इसके लिए दे रखे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फंड्स सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो जो है कंट्रोल बोर्ड जो है ये कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रोग्राम को और पीएम एम टेन लेवल है इनको अच्छे से जो है मीजर लेवल पे टेस्ट किया जा रहा है तो जनरली ये कह रहे हैं कि सिटी की रिक्वायरमेंट है टू क्वांटिफाई इम्प्रूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी रिक्वायर्स फिफ्टीन और मोर रिडक्शन एनुअल एवरेज का आपको लगभग पंद्रह प्रतिशत और उससे ज्यादा रिडक्शन की आपको जरूरत है अगर आप इतना रिडक्शन नहीं कर पा रहे हो पंद्रह परसेंट का तो फिर हम आपकी सिटी की फंडिंग को यहाँ पे कम कर देंगे क्लियर ये डायरेक्ट यहाँ पे है कितना फायदा हुआ नहीं हुआ तो ये कह रहे हैं लगभग थर्टी सिटीज आउट ऑफ वन लगभग फोर्टी सिटीज जो हैं इन्होंने अपने पॉल्यूशन एनुअल पॉल्यूशन लेवल को काफी रिड्यूस तो किया है बट स्टिल वी हैव सो तो मेनी सिटीज जहाँ पे पॉल्यूशन लोड अभी भी बहुत ज्यादा है मतलब कोई बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है दिल्ली का एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है फाइन। एक यहाँ पे इन्होंने पूरे इशू को यह भी हाईलाइट किया है कि हमें जो पॉल्यूशन लेवल को ट्रैक करने के लिए जिस तरह का ये सेंटर्स हमें चाहिए है ना स्टेशंस चाहिए उनको भी इंस्टॉल करने की जरूरत है वी नीड टू इंस्टॉल मोर देन 300 मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पर ईयर टू रीच दिस एन गोल ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड मॉनिटरिंग स्टेशन तो हमारे पास अभी मॉनिटरिंग स्टेशन काफ़ी कम है और अगर आप देखोगे पिछ हमें पंद्रह सौ मॉनिटरिंग स्टेशन बनाने हैं पिछले चार साल में कितने मॉनिटरिंग स्टेशन बने हैं केवल और केवल वन एट्टी मॉनिटरिंग स्टेशन बने तो पहले तो मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाएं तभी तो पता चलेगा कि कितना आपने अचीव किया कितना नहीं किया तो ये एन क्या है ये इसके सिटी पॉल्यूशन से आप इसको लिंक कर सकते हो नेक्स्ट uh, हमारे पास है वी हैव डीप जो वाटर सर्कुलेशन है उस पर यह आर्टिकल है इसको uh, वैसे हमने कर तो लिया है बट uh, क्योंकि देखो नौ बजे हमारी एक क्लास है सो विल टेक दिस वन टॉपिक इन टमारोज क्लास दिस इज़ अबाउट द डीप वाटर सर्कुलेशन है ना जो डीप वाटर सर्कुलेशन है आप देखोगे होता क्या है कि uh, जैसे यहाँ पे ये जो गर्म पानी जनरली आप देखोगे ट्रॉपिक्स जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे सरफेस जो ओशन वाटर है गर्म होगा गर्म होगा और ये आपको देखने को मिलेगा इस तरफ आपका जाएगा क्लियर पोल की तरफ जाएगा पोल से जो ठंडा पानी है वो डीप ओशन वाटर इस तरफ आ रहा है तो इस तरह का ग्लोबल आपका मेरिडियोनर यह सर्कुलेशन आपका बना हुआ है तो इसी पे इंडियन ओशन को लेके एक स्टडी है गोवा के इंस्टीट्यूट ने कुछ फाइंड किया है तो ये जो टॉपिक है ये हम कल ले लेंगे बिकॉज वी आर हैविंग ए क्लास एट नाइन ए एम तो अभी कुछ एमसी करके हम सेशन को रेपअप करेंगे नौ बजे आपकी क्लास है लिंक ऑलरेडी आपका टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है कुछ क्वेश्चन का आंसर करते हैं एलर्स डेनलॉ सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेटेड डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ये सिंड्रोम है अभी चर्चा में था आपको पढ़ाया हुआ है न्यूज में था मैंने पढ़ाया था आपको तो क्या ये हमारे कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर अगेन वेरी कॉमन वेरी पॉपुलर विथ यूपीएससी ट्राई टू आंसर इस्पेशली जिन बच्चों ने पढ़ा है ना वो तो आंसर करेंगे ही और मुझे लगता है लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक का ये टॉपिक है जितना मुझे याद आ रहा है बट शुड बी द आंसर यहाँ पे क्या होता है एलर्स सिंड्रोम ये न्यूज़ में था आ, क्योंकि इसको लेके एक आर्टिकल था इन दैट इंडियन एक्सप्रेस थिंक है ना एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं तो वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा इलास्टिक है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसको ये इम्पेक्ट कर रहा है तो आंसर जाएगा सी सी इज़ द राइट आंसर इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे जॉइंट्स हैं उनको ये इम्पेक्ट कर रहा है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी जॉइंट हाइपर मोबिलिटी भी दिखा रहा है ठीक है तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं ट्राई टू आंसर वन मोर क्वेश्चन रिसेंटली देर इज बिन ए कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स ये क्वेश्चन है आई के अंदर पूछा हुआ है और आई थिंक ये दो का है या तेरह का है ये ईयर तो मुझे याद नहीं है बट दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईएस प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है पढ़ो और इसको ध्यान से बताना है कल जो नौ बजे क्लास हुई थी वहां पे भी कुछ डिस्कशन किए थे हमने ट्राई टू यूटिलाइज यूटिलाईज स्ट्रेटजीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पे कंसर्न है क्यों है ये पूछा है इसने पहला क्या कह रहा है चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट्स और इसने काफी सारे रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किए हैं अपने एक्सपोर्ट पे करता रहता है क्लियर और डेफिनेटली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमने देखा अप टू सेवेंटी एट्टी परसेंट तक कर रहा है तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही जा रहा है तो ये जब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही जा रहा है तो आप नीचे जाइए क्योंकि तीन स्टेटमेंट हैं तीन स्टेटमेंट या उससे ज्यादा स्टेटमेंट हो हमेशा एलिमिनेशन के लिए जाना है तो ये तो आंसर नहीं होगा क्यों क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो सही है सेकेंड स्टेटमेंट है अदर देन चाइना ऑस्ट्रेलिया कैनेडा एंड चिली दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री नॉट फाउंड इन एनी कंट्री क्या दिमाग की घंटी बज रही है इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट इस तरह के स्टेटमेंट जो कि लॉजिक रीजनिंग कॉमन सेंस से परे हैं समझ रहे हो आप तो यही देश नहीं है हालांकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगी लेकिन ये तो लिख दिया कि नॉट फाउंड इन एनी कंट्री ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां पे यूपीएससी ने एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रखे हैं तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है क्या इन देशों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा रियर अर्थ एलिमेंट मिलेगा थोड़ा थोड़ा लेकिन ऐसा नहीं है कहीं नहीं मिलेगा सो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट यू कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट और यूपीएससी यही आपसे चाहता है यही चाहता है जैसे ही आपने सेकेंड को जान लिया कि ये आंसर में नहीं आएगा तो आप देखिए सेकेंड कहाँ पे आंसर में नहीं आ रहा है यह आपका गया क्लियर तो अब आपके पास दो ऑप्शन है है ना या तो आंसर ए जाएगा या तो आंसर सी जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स आर असेंशियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है बहुत ही जनरल स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा डिमांड तो बढ़ी रही है रिन्यबल एनर्जी में यूज हो रहा है वॉट एल्स यू डू रिक्वायर सो डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर क्या हो गया सी आंसर यहाँ पे हो गया तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया लेकिन ईजी क्वेश्चन है डराने के लिए आपको बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया आप डर जाओगे पता नहीं क्या क्या लिख दिया है क्या नहीं है बट वो चीज नहीं करनी आपको थोड़ा सा अपना जो प्रैक्टिस का एप्टीट्यूड है वो यूटिलाइज करना है और इस तरह से तो सी आंसर है यूपीएससी ने इस तरह से ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है एक क्वेश्चन और करेंगे सन स्पॉट्स आर टेम्पररी फिनोमिना ऑन द सन फोटो स्पीयर और दैट अपियर्स एज स्पोर्ट डार्कर देन द सराउंडिंग एरिया क्या सन स्पॉट जो होते हैं यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर कम होता है दो स्टेटमेंट दे रखे हैं सन को लेके कई बार न्यूज होती है नासा एक्सेट्रा कई बार हमने कवर भी किया है सन स्पॉर्ट भी पढ़ा रखा है आंसर मैन्यू ऑफ यू आर गेटिंग इट राइट ये बी ए क्या होता है एक बच्चे ने आंसर किया है बी और ए देखो यू में दो गोले नहीं भर सकते हो है ना एक गोला भर दिया और फिर अब आप आपको लग रहा है दूसरा ये गोला गलत है दूसरा मैं भर दूँ वो ऑप्शन आपके पास नहीं है यू आर डन विद डैट ठीक है वो क्वेश्चन गया आपका तो उसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही होती है जब यू का क्वेश्चन कर रहे हो कि आप एक बार फर्स्ट राउंड लगा लो जिसमें वो जो क्वेश्चन आपको पूरे हंड्रेड आ रहे हैं उन क्वेश्चन को टिक कर लो फर्स्ट राउंड लगेगा लगभग एक घंटे में पूरा पेपर देख लोगे गे एक सवा घंटे में फिर उसमें जितने क्वेश्चन हुए मान लीजिए आपसे 40 क्वेश्चन हुए तो उन 40 क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े इतमान से है ना बिल्कुल कूल cool माइंड से उसका गोला भरो सही सही तरीके से सारे गोले भर दो फिर सेकंड राउंड पे उसमें आओ जिसमें आपने कुछ मार्क कर रखा है कि हाँ फिफ्टी फिफ्टी होना चाहिए तो अपना जो भी रीजनिंग है आर्ग्यूमेंट्स है ना वो लगा के लो थर्ड वाले में राउंड में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना तो यहाँ पे ए राइट -right आंसर है सनी स्पोर्ट्स आप देखोगे इस तरीके से दिखाई देते हैं ये डार्कर एरिया होते हैं फोटोस्फीयर पे और सरफेस uh, टेम्परेचर आपका रिड्यूज़ होता है बिकॉज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है फॉर नाउ वी आर रैपिंग अप द सेशन अभी आपका नौ बजे नौ बजे आपकी क्लास है जो एम की क्लास है अभी जो एम सी क्यू की है उसी बेस्ड पे हम एम करेंगे करंट अफेयर से कुछ एम हम ले रहे हैं नौ बजे क्लास है लिंक क्लास का यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर लेना सो वंस द क्लास गोज़ लाइव यू विल गेट द नोटिफिकेशन ये जो क्लास है हमारी डेली बेसिस पे होती है और इसका जो पी है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा क्लास की टाइमिंग वगैरह वो तो सब यहाँ टेलीग्राम पे आपको अपडेट हो जाती है फाइन सो दिस इज ऑल अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिंक टेलीग्राम पे भी होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं यूज द कोड आर बी एल आई वी ई टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट पर्सनल गाइडेंस इस तरीके से आपकी ये विंडो ओपन होती है जब आप सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करते हैं तो so, uh, आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ करना है देन पुट दिस कोड सो यू विल गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस आइकॉनिक में कुछ एडेड बेनिफिट है लाइव मेंटरशिप वगैरह इसके लिए भी आप जा सकते हो और नया जो आपका बारह जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी uh, हो चुका है तो इसमें आप एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं जीरो परसेंट ई ऑप्शन आपको मिल रहा है एमसीक्यू अभ्यास आज आपका शाम को छः बजे रहेगा तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तीस मिनट में आपको पच्चीस एम सी को करना है सो अगेन दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस काफ़ी सारे गिफ्ट वाउचर्स और ये भी आप ले सकते हैं और इसमें एनरोलमेंट का लिंक भी आपका टेलीग्राम पे भी है और आई थिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार सर्च कर लेना वहाँ भी मिल जाएगा ओल्ड राजेंद्र नगर में सेंटर भी ओपन है इसके लिए भी जा सकते हैं और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट सो दिस इज़ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ क्वेश्चन पेपर पे तो मार्क करना ही है क्वेश्चन जो आपका पेपर है यूपीएससी में जो मिलेगा उस पर कुछ भी लिखो कुछ भी करो वो आपका है बिल्कुल उस पर सही मार्क है गलत मार्क है वो सब आप कर सकते हो उस पर रफ वर्क कर सकते हो ठीक है तो नौ बजे आपकी क्लास में मिलते हैं दिस इज ऑल हैव अ ग्रेट डे